हेलो गाइस, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है इंडिया के फाइनेस्ट एजुकेशन चैनल पांडे सर पाथवेज पे। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। क्या है कंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटर मेमोरी के क्लासिफिकेशन कितने हैं और उसके फीचर्स क्या है, वो सारे आज के वीडियो में हम विस्तार रूप से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखिए, कंप्यूटर मेमोरी सेम है जैसे हमारी मेमोरी होती है। हमारे मेमोरी का काम क्या है, चीजों को स्टोर करना। यानी भाई हमें सारे क्वेश्चंस आंसर याद रहते हैं, हमें सब सारे इंफॉर्मेशन है वो हमें याद रहते हैं। वो कहाँ स्टोर रहता है, वो हमारे मस्तिष्क में है, स्टोर होता है। उसी तरह कंप्यूटर में भी कोई इंफॉर्मेशन है, कोई डेटा है, वो कहाँ स्टोर रहेगा, तो वो हमारे इसी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर रहेगा। क्लियर है? सेम एज जो हमारे माइंड का काम है, वही वहां पर कंप्यूटर के माइंड का भी काम है, चीजों को स्टोर करना। क्लियर है? दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, एक बार बार ये सवाल होता है कि कंप्यूटर मेमोरी हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। दोस्तों कहीं लिख लेना, कंप्यूटर मेमोरी वर्ड जो है वो हमारा हार्डवेयर होता है। क्लियर है? दो पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। कंप्यूटर मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच स्टोर डेटा आइदर टेम्पररी एंड परमानेंट। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डेटा को स्थायी और अस्थायी रूप में स्टोर करता है। दोस्तों हमारे पास कंप्यूटर है, आपने देखा होगा सीपीयू है, ये हमारे पास मॉनिटर है, ये हमारे पास कीबोर्ड है, ये सब कहीं कनेक्टेड होते हैं। तो ये सारे इक्विपमेंट में कहीं भी किसी भी कोने में कुछ ऐसा एक डिवाइस होगा जो डेटा को स्टोर करेगा। कुछ भी एक ऐसा डिवाइस रखा होगा, अंदर में रखा हो, बाहर में रखा हो, डजंट मैटर, वो कहीं भी रखा हो जो डेटा को स्टोर करेगा, वो अस्थाई रूप में भी स्टोर कर सकता है और अस्थाई रूप में भी स्टोर कर सकता है, वो हमारा कंप्यूटर मेमोरी कहा जाएगा। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब जैसे भी याद रखना है रख लो, कंप्यूटर कंप्यूटर का वह भाग है जो डेटा को स्टोर करता है अस्थाई और अस्थाई रूप में, और ये क्या है, ये हमारा हार्डवेयर होता है। ठीक है, ये भी मेंशन कर लेना, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे दूसरा पॉइंट आता है, कंप्यूटर मेमोरी के टाइप कितने होते हैं। बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, इसे हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, ये याद हो गया। दूसरा सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, इसे हम लोग बैकअप मेमोरी भी कहते हैं, और इसे हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। ये सारा नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे राज क्या है, वो सब कुछ यहां पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि सर ये क्लासिफिकेशन किस आधार पर हुआ, आप कैसे कह सकते हैं कि एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी होगा। दोस्तों उसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। वो मेमोरी जो सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है उन्हें प्राथमिक मेमोरी के रूप में जाना जाता है। दोज मेमोरी विच डायरेक्टली कनेक्टेड विद सीपीयू इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी, जैसे रैम, रॉम और कैचेस मेमोरी। इसको विस्तार में समझाते हैं। दोस्तों कंप्यूटर का जो कैलकुलेटिव माइंड है, यानी कि जो कैलकुलेशन का काम करेगा, यानी कि जो प्रोसेसिंग का काम करेगा, वो कौन करेगा, वो हमारा सीपीयू करता है। ठीक है, ये सीपीयू करता है, नाम आपने सुना होगा जिसे हम लोग प्रोसेसर कहते हैं। अभी हम लोग एज ए माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल करते थे, प्रथम पीढ़ी में वो वैक्यूम ट्यूब की तरह इस्तेमाल होता था, द्वितीय पीढ़ी में वो ट्रांजिस्टर की तरह इस्तेमाल होता था, तृतीय में वो आईसी की तरह इस्तेमाल होता था, और अभी हम लोग सीपीयू यानी कि माइक्रो प्रोसेसर की तरह इस्तेमाल करते हैं। चलिए इतिहास को साइड करते हैं, मुद्दे को समझते हैं। भाई जो भी कैलकुलेशन का काम होगा, जो भी प्रोसेसिंग का काम होगा, कौन करेगा, सीपीयू करेगा। तो सीपीयू का काम है डेटा को प्रोसेस करना, सीपीयू का काम है डेटा को प्रोसेस करना। प्रोसेस करने का मतलब मैंने बोला दो और दो को जोड़ के दिखाओ, सर दो और दो को जोड़ के दिखाने का काम कौन करता है, तो वो सीपीयू करता है। अब सिंपल सा बात है भाई, ये दो और दो को जोड़ेगा कैसे, इसको दो कोई यहां तक कोई पहुंचाए दो, तब तो ये ऐड का काम करेगा, तो ये पहुंचेगा कैसे, वो सारी चीजें हम लोग यहां पे समझते हैं। तो दोस्तों
अब इसे प्रोसेस करने के लिए दो चाहिए। अब याद रखिए, सीपीयू जो होता है सबसे नियरेस्ट मेमोरी इसका होता है वो है कैचेस मेमोरी, याद रखिएगा ये कैचेस मेमोरी होता है। और कैचेस मेमोरी के जस्ट नीचे होता है हमारा रैम होता है, और रैम के जस्ट नीचे हमारा होता है हार्ड डिस्क। ठीक है, समझिए। तो दोस्तों, अगर सीपीयू को डेटा की आवश्यकता है तो वो कैच से संपर्क करता है, कैच के पास डेटा है वो रैम से आता है, और रैम के पास जो डेटा है वो हार्ड डिस्क से आता है। बात क्लियर है यहाँ पे? पूरा सीक्वेंस को आराम से समझिएगा। सीपीयू डेटा किससे लेता है? तो कैचेस से लेता है। कैचेस किससे लेता है? रैम से लेता है। रैम किससे लेगा? हार्ड डिस्क से लेगा, या कोई भी सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे उससे ये रिसीव करेगा। ठीक है, तो दोस्तों वो मेमोरी जो सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है उन्हें प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है, जैसे कैचेस और रैम, ये दोनों सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसे कहा गया प्राइमरी मेमोरी। अब आपका सवाल ये आएगा, सर डायरेक्ट तो सिर्फ कैचेस जुड़ा हुआ है, रैम तो नहीं जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैचेस भी एक टाइप का रैम ही होता है, और इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कैचेस भी क्या है? एक टाइप का रैम ही होता है। ठीक है, इसीलिए इस दोनों को प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में रखा गया है। क्लियर है? दूसरा ये क्या है? तो इसके नीचे जितना भी है वो सारा हमारा हो गया सेकेंडरी मेमोरी। तो सिंपल सा लॉजिक है, वो मेमोरी जो सीपीयू से सीधे जुड़ा होता है वो प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, जो सीधे नहीं जुड़ा होता है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। क्लियर है यहां पे? स्पष्ट तौर पे। ठीक है, अब एक पॉइंट और हमें यहां पे समझना होगा जो मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देता हूं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारा सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू को डेटा की आवश्यकता पड़ी वो कैचेस से रिसीव कर लिया, कैचेस की जरूरत पड़ी तो वो मेरा रैम से रिसीव कर लिया, और रैम जो डेटा लिया वो किसी भी एक सेकेंडरी मेमोरी से ले लिया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हार्ड डिस्क ही लेते हैं क्योंकि हार्ड डिस्क हमारा कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है। ठीक है, अब देखो सीपीयू के अंदर भी अगर मैं बात करता हूं तो तीन पार्ट होता है। एक होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू, और तीसरा होता है एमयू, यानी कि मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर भी क्या है? तो एक आपका स्टोरेज कंपोनेंट है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। क्लियर है? कहाँ होता है? तो सीपीयू के अंदर होता है। दोस्तों अब समझिए, हम सीपीयू के जितने नजदीक जाएंगे, हम सीपीयू के जितने नजदीक जाएंगे, जो भी इक्विपमेंट यहां पे इस्तेमाल किए हैं, क्या होगा? उसकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी। ठीक है, उसकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी, यानी कि कैच ज्यादा फास्ट है कंपेयर टू रैम, रैम ज्यादा फास्ट है कंपेयर टू हार्ड डिस्क, या जो भी रहा हो, और कैच से भी ज्यादा फास्ट है रजिस्टर, याद रखिएगा। ठीक है, तो नीचे से अगर हम ऊपर जाते हैं, जो भी है मेरे पास सब कुछ रखा हुआ है, मेरे पास सीपीयू रखा, मेरे पास रजिस्टर भी रखा हुआ है, कैचेस रखा हुआ है, रैम रखा हुआ है, हार्ड डिस्क रखा हुआ है। अब सीपीयू के करस्पॉन्डिंग हम अगर हम बात करें तो हमसे पूछा जाए कि भैया सीपीयू सबसे पहले किससे लेगा, तो सबसे पहले वो कैचेस मेमोरी से लेगा, इसीलिए ये आपका फास्टेस्ट है। लॉजिक भी है, चूंकि सबसे नजदीक है इसलिए फास्टेस्ट है यहाँ पे। तो कैचेस आपका सबसे फास्टेस्ट है, कैच से भी उसके बाद आता है आपका रैम, रैम के बाद आता है सेकेंडरी। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो जितना नजदीक है गाइस वो उतना फास्ट है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अब मैं अगर बात करता हूं कैपेसिटी की, अगर मैं बात करता हूं कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी में क्या, जो जितना दूर है उसकी कैपेसिटी उतनी अधिक है। कहने का मतलब है रजिस्टर की कैपेसिटी होती है मात्र कुछ केबीज में, कैचेस की कैपेसिटी होती है कुछ एमबीज में, रैम की कैपेसिटी होती है कुछ जीबीज में, और ये तो आपको मालूम है टीबीज में भी आने लगा है। तो एक कॉन्सेप्ट जनरल आप समझ लीजिएगा कि
कि जो भी मेमोरी इक्विपमेंट की बात करें, आपको बहुत सारा मेमोरी ला के दे दिए और आपसे पूछा जाए कि सर इसमें फास्ट कौन है, तो आप पूछना कि भैया बताओ कि सबसे पहले नज़दीक कौन है, तो आप बताएगा अच्छा ठीक है भाई कैचेस नज़दीक है, तो जाओ कैचेस फास्ट, यानी कि जो जितना नज़दीक है वो उतना फास्ट। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए सर भाई क्षमता किसकी ज़्यादा है, स्टोरेज क्षमता, तो जो जितना दूर है उसकी क्षमता ज़्यादा है। एक्सेप्शनल में आपका सीडी डीवीडी आता है सर, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये हायरार्की को आप याद रखिएगा। ठीक है, लॉजिक क्लियर है, यहाँ से बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्वेश्चन बनेंगे, इनमें से कौन सा मेमोरी इक्विपमेंट है जो सीपीयू में इस्तेमाल होता है, दोस्तों आंसर हो गया रजिस्टर। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा है, कैचेस मेमोरी हो गया। ठीक है, इनमें से प्राइमरी मेमोरी कौन है, तो ये सब हमारा प्राइमरी मेमोरी हो गया, ये आपका सेकेंडरी हो गया। तो ये कुछ प्रमुख क्वेश्चन है जो यहां से आपसे रेज होते हैं, और भी सारे क्वेश्चन है, मैं आगे वीडियोज में करवाता रहूंगा डे बाय डे। ठीक है, आज का वीडियो का सेशन बस इतना हमें समझना है कि मेमोरी क्या है, उसके टाइम कितने होते हैं। गॉट इट, चलिए तो ये क्लियर है, सीपीयू हो गया, कैचेस हो गया, रैम हो गया, सेकेंडरी हो गया। अब आगे की बात करते हैं, दूसरा है आपका सेकेंडरी मेमोरी। जैसे मैंने बताया था दोज मेमोरी विच इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद सीपीयू इज नॉन एज ए सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, वो मेमोरी जो अप्रत्यक्ष रूप से सीपीयू से जुड़ी होती है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हमारा सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, द्वितीयक कह सकते हैं, जाना जाता है जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, ईटीसी, ये सब हो गया। क्लियर है, तो सबसे पहले यहां तक मुझे समझाना ये था मेमोरी क्या है, उसके कितने टाइप है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दोस्तों एक और क्वेश्चन हमारा बनता है, वो याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा है जो टर्सरी है, टर्सरी भी आपने सुना होगा, टर्सरी मेमोरी। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आज क्लियर कर देता हूं आपको। अगर प्राइमरी वर्ड है प्राइमरी मेमोरी, तो हम लोग जनरली रैम को बोल रहे हैं, इसी का पार्ट है कैचेस, वो भी हो गया। सेकेंडरी मेमोरी की अगर मैं बात करता हूं, तो सेकेंडरी में आपका हार्ड डिस्क आ गया। ठीक है, अगर आपसे टर्सरी मेमोरी के बारे में पूछा जाए, तो वो मेमोरी जो एक्सटर्नली हम लोग प्लग करते हैं कंप्यूटर में, उसे टर्सरी की संज्ञा दे सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव क्या है भाई, हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं आता, इसीलिए हम इसे टर्सरी मेमोरी कह सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी हमारा क्या है, तो हार्ड डिस्क वगैरह आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए क्या पेन ड्राइव सेकेंडरी है, तो हाँ पेन ड्राइव सेकेंडरी भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरह सीडी की बात करें, डीवीडी की बात करें, वो सारा डिवाइस जो एक्सटर्नली हम लोग कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, वो हमारा टर्सरी की संज्ञा में आता है, और उसे हम लोग सेकेंडरी भी कहते हैं। दो पॉइंट याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा है जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इसमें से कौन सा है, दोस्तों इसका आंसर होगा हार्ड डिस्क। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों पूछ रहा हूं, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो बेसिकली याद रखिएगा, कंप्यूटर में मेमोरी वर्ड जो है वो रैम के लिए डिनोट किया जाता है, और सेकेंडरी वर्ड जो है वो हार्ड डिस्क के लिए डिनोट किया जाता है। ठीक है, हार्ड डिस्क के लिए आपको मालूम होगा कि कब हार्ड डिस्क जो है हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ट स्टोरेज डिवाइस है, इसीलिए इसे हमने प्राइमरी स्टोरेज कहा जाता है। याद रखिएगा, प्राइमरी स्टोरेज पूछा जाए तो आंसर हमारा हार्ड डिस्क हो जाएगा, टर्सरी पूछा जाए तो हमारा पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सब हो जाएगा। इसके अलावा सब कुछ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बहुत सारी जानकारी मैंने यहाँ पे दी, आई होप सो आपको ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, टर्सरी क्यों कहा जाता है ये भी मैंने समझा दिया, सेकेंडरी क्यों कहा जाता है, प्राइमरी भी क्यों कहा, आई होप सो ये पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अगला है दोस्तों नेचर ऑफ मेमोरी।
यानी जितना भी मैंने नाम बोला, रैम बोला, रोम बोला, हार्ड डिस्क बोला, पेन ड्राइव बोला, जितना भी मैंने ये नाम लिया, सबका कुछ नेचर होता है। नेचर कहने का मतलब है, जैसे मैंने बताया ना कि कुछ मेमोरी है जो अस्थाई स्टोर करेगा और कुछ ऐसा है जो अस्थाई स्टोर करेगा, तो वही चीज है। तो दोस्तों सबसे पहला नेचर में बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल दोज मेमोरी विच लॉस आवर कंटेंट व्हेन इलेक्ट्रिक पावर इज ऑफ इज नॉन एज ए वोलाटाइल मेमोरी। या ये भी कह सकते हैं दोज मेमोरी विच रिक्वायर्ड विच रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस पावर सप्लाई, कंटिन्यूअस पावर सप्लाई, वो हमारा कहा जाता है वॉलेटाइल मेमोरी। याद रखिएगा, रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस पावर सप्लाई, कंटेंट लॉस कर देगा जब पावर चली जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसे हम लोग अस्थाई मेमोरी भी कहते हैं, या तो अस्थाई कह सकते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में इसे हम लोग टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। वह मेमोरी जो इलेक्ट्रिक पावर बंद होने के बाद अपनी सामग्री को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि खो देता है, वो मेरा वॉलेटाइल। वॉलेटाइल कहने का मतलब है वो मेमोरी जो भूल जाए वो वॉलेटाइल। यानी जब तक मेरा कंप्यूटर ऑन है, जब तक मेरा लैपटॉप ऑन है, जब तक मेरा मोबाइल ऑन है, तभी तक ये डेटा होल्ड करेगा। जैसे ही कंप्यूटर लैपटॉप बंद होगा, ये डेटा अपना लॉस कर देगा। तो याद रखने का तरीका याद रखिएगा, वॉलेटाइल जो भूल जाए, वॉलेटाइल जो भूल जाए वो वॉलेटाइल, ठीक है। अब इसमें आता क्या क्या है? तो वॉलेटाइल में क्या क्या आता है? तो हमारा वॉलेटाइल में रैम आ जाता है, ठीक है। रैम वॉलेटाइल है, जब तक कंप्यूटर ऑन होगा तभी तक रैम का काम है। कैचेस मेमोरी भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। और तो और जो अभी मैंने बताया, रजिस्टर जो हमारे सीपीयू में लगा होता है, ये भी हमारा वॉलेटाइल नेचर है। हमारे कंप्यूटर में जितना भी इक्विपमेंट है, मात्र ये तीन ही ऐसा है जो हमारा वॉलेटाइल नेचर। ये तीनों डेटा अपने पास तभी रखता है जब मेरा मोबाइल ऑन रहता है, जब मेरा लैपटॉप ऑन होता है, जब मेरा कंप्यूटर ऑन होता है, तभी ये डेटा रखता है। कंप्यूटर बंद, डेटा खत्म, ठीक है। और क्या क्या काम है, रैम का क्या काम है, रजिस्टर का क्या काम है, इसके पे इस पर भी हम वीडियो आगे बनाएंगे। फिलहाल बस क्लासिफिकेशन यहाँ पे हमें देखना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दूसरा है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब क्या हो गया? जो नहीं भूले, जो नहीं भूले उसे हम लोग नॉन वोलेटाइल कहेंगे, ठीक है। जैसे कि इसे हम लोग अस्थाई मेमोरी कहते हैं, इसे हम लोग अस्थाई मेमोरी कहते हैं, यानी कि परमानेंट मेमोरी कहते हैं, ठीक है। दोज मेमोरी विच डज नॉट लॉस आवर कंटेंट व्हेन पावर इज ऑफ इज नॉन एज ए नॉन वोलेटाइल। या ये भी कह सकते हैं रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस पावर सप्लाई, कंटिन्यूअस पावर सप्लाई, यानी जिसे लगातार पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग नॉन वोलेटाइल कहते हैं। आई होप गेटिंग दिस पॉइंट क्लियर है। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे दोस्तों? इसका एग्जाम्पल होगा रॉम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा जितना भी सेकेंडरी मेमोरी या टर्सरी मेमोरी की हम लोग बात करते हैं, वो सब इसी कैटेगरी में आ जाएगा। याद रखिए, रॉम की बात करें या सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, ये सब हमारा नॉन वोलेटाइल में ही आएगा। आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो नॉन वोलेटाइल किसे कहा जाता है? जो नहीं भूलता है। कंप्यूटर बंद हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, चला जाए, आपके पास हार्ड डिस्क है, डेटा आप रिकवर कर सकते, ठीक है। रॉम के साथ भी वही खेल है, कंप्यूटर बंद हो जाएगा फिर भी ये डेटा लॉस नहीं करेगा। आपने देखा होगा लैपटॉप खराब हो गया, कंप्यूटर खराब हो गया, कुछ मत करो, जाके हार्ड डिस्क अपना निकाल के रख लो भाई, डेटा कभी लॉस नहीं होगा, डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। मोबाइल खराब हो गया, टूट गया, फूट गया, उसका अगर एसडी कार्ड यानी मेमोरी कार्ड जो होता है, अगर वो सुरक्षित रख लिए तो आपको सारा फोटो वीडियोज मिल जाता है। तो ये सब क्या है ना, नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। तो चीजें क्या याद रखनी है?
नॉन वोलाटाइल जो नहीं भूले, जिसको लगातार पावर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, विच डज नॉट लॉस आवर कंटेंट इज नॉन एज ए नॉन वोलाटाइल। ये दो ही प्रकृति के हमारे पास मेमोरीज होते हैं। जितना भी आपने नाम सुना है, रैम सुना है, रोम सुना है, आपने पेन ड्राइव, सीडी, कुछ भी आपने सुना है, किसी ना किसी का यही दो आपकी प्रकृति हो सकती है, या तो वोलाटाइल या तो नॉन वोलाटाइल। मैं उम्मीद करता हूं कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का मतलब समझ आप में आ गया होगा। वोलाटाइल जो भूल जाए, नॉन वोलाटाइल जो नहीं भूले। वोलाटाइल जिसको लगातार पावर की आवश्यकता पड़ेगी, वोलाटाइल पावर चल जाने के बाद डेटा खो देता है, नॉन वोलाटाइल जिसको लगातार पावर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। हाँ, अब है कि सर मैंने रैम प्राइमरी में मैंने बताया था कि रैम के कुछ टाइप होते हैं, रोम के कुछ टाइप होते हैं। ये सारा टाइप हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जहाँ पे मैं प्राइमरी मेमोरी पे मैं वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें मैं सब कुछ डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा, प्राइमरी मेमोरी का मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं ये सब कुछ डिस्कस करूंगा। फिलहाल बस मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दिया है, रैम क्या होता है, ठीक है, इसके टाइप क्या है, सब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी का टाइप पे हम एक वीडियो बनाएंगे, और ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी का भी यहाँ पे आपको हम एक समरी दे देते हैं, इस पर भी हम ब्रीफ वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने प्राइमरी के बारे में बता दिया, अब सेकेंडरी के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी विच इनडायरेक्टली कनेक्ट विद सीपीयू, इज नॉन एज अ सेकेंडरी मेमोरी। इट इज ऑल्सो नॉन एज ऑक्सिलरी, एक्सटर्नल एंड बैकअप मेमोरी। इसके एग्जाम्पल क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। दोस्तों, हमारा जो फ्लैश होता है, ये भी हमारा मैग्नेटिक मेमोरी की ही कैटेगरी में आएगा, तो कभी कंफ्यूज मत होना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो मैंने बताया सेकेंडरी क्या कहा जाता है, पहले भी जिक्र किया था और अभी भी मैंने बता दिया, इसके एग्जाम्पल भी दे दिए। चलिए, अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया पहला, मैग्नेटिक मेमोरी। दोस्तों, मैग्नेटिक मेमोरी दो प्रकार का, एक हमारा मैग्नेटिक टेप, दूसरा मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, याद रखिएगा, एक हमारा मैग्नेटिक टेप और दूसरा हमारा मैग्नेटिक डिस्क होता है। मैग्नेटिक टेप आप देख सकते हैं, ये हमारा है। मैग्नेटिक टेप कंटेन द प्लास्टिक रिबन यूज फॉर स्टोरिंग डेटा, इट इज ए सिक्वेंशियली एक्सेस मेमोरी। मैग्नेटिक टेप के बारे में याद रखिएगा, क्या है, एक प्लास्टिक रिबन होता है और ये डेटा को सिक्वेंशियली एक्सेस करता है, और ये सबसे स्लोवेस्ट है, चूंकि सिक्वेंशियली होता है, इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्लोवेस्ट एक्सेस मेमोरी कौन है, तो आप आंसर आंख बंद करके मैग्नेटिक टेप पे कर देना। इसका नेचर क्या है एक्सेस करने का, तो सिक्वेंशियली है, ये भी लिख लेना। कैसा होता है? प्लास्टिक रिबन का होता है। एक पॉइंट याद रखिएगा, इसमें डेटा जो होता है वो वन साइडेड होता है। ठीक है, वन साइडेड होता है, यानी कि आपके स्ट्रिप जो है एक ही साइड डेटा होता है, ऐसा नहीं कि दोनों साइड होता है, तो ये वन साइडेड होता है। हम लोग इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि भाई अभी चेंज कर लिए फिर दूसरा चेंज कर दिए, ऐसा इसमें नहीं होता है। दो चीज़ें क्लियर हो गई। इसकी वैसे तो 68 में इसको डेवलप किया गया था, खैर वही इतिहास की बातें यहाँ पर डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि एग्जाम में वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है, तो ये स्लोवेस्ट एक्सेस होता है, सिक्वेंसली एक्सेस होता है। दूसरा, क्षमता की बात करें तो बाद में तो बहुत एलिब्रेट हुआ, बहुत कुछ इसके आए, लेकिन आप एक स्टैंडर्ड की बात करें तो 200 MB के आसपास, या कहीं कहीं बात करें 170 MB के आसपास ये इसकी क्षमता अवेलेबल हुई थी। ठीक है, वैसे इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, एक होता है 7 स्ट्रिप का होता है, 9 स्ट्रिप का होता है, तो क्षमता ये आपकी एक वेरिएशन भी आती रहेगी, लेकिन आपको एक समझना है क्या होता है 7 स्ट्रिप और 9 स्ट्रिप के। ठीक है, तो फिलहाल आपको चीज़ें जो याद रखनी, क्षमता इसके आसपास आएगी, और ये आपकी प्लास्टिक रिबन होती है, डेटा जो होता है वन साइडेड होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, ये क्या है, ये पोर्टेबल ज़्यादा है, ये पोर्टेबल ज़्यादा है, इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। वही जो बेसिकली मीडिया डेटा स्टोर ज़्यादा किया जाता था, आपने देखा होगा कैसेट, जिसमें हम लोग सॉन्ग वगैरह सुनते थे, MP3 वगैरह जो होता था, वो सब इसमें आता था। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक टेप के बारे में। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। मैग्नेटिक डिस्क कंटेन सर्कुलर डिस्क मेड ऑफ मेटल और प्लास्टिक, बोथ साइड ऑफ डिस्क यूजुअली यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा।
जैसे मैंने बताया मैग्नेट टेप में क्या होता है, एक साइड में ही डेटा स्टोर किया जाता है, इसमें क्या है दोनों साइड में डेटा स्टोर किया जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके पूरे फीचर जो है वो मैं अगला वीडियो जब सेकेंडरी मेमोरी का बनाऊंगा तो उसमें इसमें इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अगला है ऑप्टिकल डिस्क, इट इज अ कंप्यूटर स्टोरेज डिस्क दैट स्टोर डेटा मैग्नेटिकली एंड यूज लेजर बीम टू रीड एंड राइट डेटा इज नॉन एज ए ऑप्टिकल डिस्क। जैसे CD, DVD, ठीक है, BRD, HVD, ये सब यहाँ पे आ जाता है, क्लियर, आई होप सो समझ में आता है। ये ऑप्टिकल डिस्क हो गया, किसका यूज किया जाता है डेटा रीड राइट करने के लिए, लेजर बीम का। ये भी आपका स्टोरेज डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क होता है, आपसे पूछा जाएगा कि प्लास्टिक सर्कुलर डिस्क जो डेटा स्टोर करे तो वो भी आपका क्या है, तो ये आपका ऑप्टिकल डिस्क है, ये भी आपका प्लास्टिक ही होता है, क्लियर है, दो चीजें। अगला पॉइंट है फ्लैश मेमोरी, ये क्या है, नेचर में हमारा नॉन वोलेटाइल होता है कंप्यूटर स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी इलेक्ट्रिक इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम, वो हमारा फ्लैश मेमोरी होता है, ठीक है। जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, SD कार्ड हो गया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, ये सब हमारा फ्लैश मेमोरी की कैटेगरी में आता है। नेचर में क्या होता है तो नॉन वोलेटाइल होता है, और ये हमारा EEPROM रोम का एक एग्जांपल होता है। EEPROM क्या है, इसके फीचर क्या है, ये आपको प्राइमरी मेमोरी वाले वीडियो मिलेगा जो नेक्स्ट डे आपको अपलोड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, कंप्यूटर मेमोरी क्या है, उसके टाइप कितने होते हैं, उसके फीचर कितने होते हैं, उसके एग्जांपल क्या होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही होगा, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा, और आपको क्या रिक्वायरमेंट है वो भी मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको रेगुलर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।